हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, आप लोग के आगे के एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो टाटा स्टील का जो एपी का, आप लोग को पता है एग्जाम इस समय 23, 24 और 25 तारीख को यहाँ पर चल रहा है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि आगे आपका जो है कैट का टेस्ट यानी कल्चर एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है, फिर आपका इंटरव्यू डेट आपकी क्या रहेगी और साथ साथ आपका आगे का क्या प्रोसेस आपका यहाँ पे रहने वाला है। और आपको बता देता हूँ यहाँ पे कट ऑफ की भी वीडियो आपको कल परसों तक मिलेगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो और भी कैंडिडेट्स हैं जिनके शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसके थ्रू हम जो है क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, करीब 80-90-100 क्वेश्चंस के आसपास हैं मेरे पास जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो भी पेपर के अंदर आए हुए हैं वही क्वेश्चंस हैं सारे, आप लोग देखेंगे कि किस टाइप का लेवल आया। और जैसा मैंने बताया था वैसा ही लगभग मुझे जो है देखने को मिल रहा है कि जो आपका नॉन टेक्निकल का लेवल है और वो आपका एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के ही जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। टेक्निकल की बात करूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई और मुझे वही लगा था कि यहाँ पे गेट और ईएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, या फिर उन्हीं उसी टाइप के उसी पैटर्न बेस पे यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चंस रिपीट है, जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट दे देता है, उसमें आपसे पूछ रहा है, जो कि ईएससी का पैटर्न होता है। 3 स्टेटमेंट में से आपको 2 स्टेटमेंट करेक्ट है या 1 स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा किस पर अप्लाई होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो वही एक आइडिया था कि मुझे इस टाइप के आप लोग को गेट और ईएससी के, मोस्टली आप लोग ईएससी के जो क्वेश्चन लगा के जाएगा इंजीनियरिंग सर्विस के। और पेपर का लेवल की बात करूँ तो अभी हम ये सब तो कल जो है डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो के अंदर, कि अभी तो और भी पेपर मुझे देखना है, आज का टेस्ट से मेरी बात करनी है। तो पेपर का लेवल लगभग लगभग जो है वैसा ही आ रहा है जैसा कि मुझे लगा था, कि जो कि पिछले साल भी यहाँ पे मेटल मर्सर ने पेपर बनाया था तो वैसा ही आपका पेपर का लेवल है। कट ऑफ हम लोग बनाएंगे, अभी मैं बात कर रहा हूँ कितने नंबर अटैम्प्ट हैं, कैसे कितने अटैम्प्ट कर रहा है, कितने करेक्ट अटैम्प्ट हो रहे हैं, अभी कैंडिडेट से बात करना है, क्योंकि बिना बात करे बिना पूछे और बिना एनालिसिस करे हुए कि कैसा पेपर आ रहा है, कट ऑफ बनाना मतलब कोई मतलब नहीं है उसका कट ऑफ बनाने का। फिर एक आइडिया लगेगा कि इस टाइप के अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो हैं उनका जो है क्या, उन्होंने किस तरीके से पेपर पैटर्न यहाँ पे प्रिपेयर करा है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आइए वीडियो में, अभी हम लोग की जो वीडियो है उस पर टारगेट करते हैं, फिर कल परसों में आपको कट ऑफ की वीडियो देखने को मिल जाएगी और एग्जैक्ट कट ऑफ आपकी मैं बता देता हूँ, उसके आसपास ही कट ऑफ ज़्यादा वेरी नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद ही यहाँ पर कट ऑफ एनालिसिस की जाएगी। तो इतने अगर आपके कट ऑफ में मार्क्स आएंगे तो आप लोग समझ जाइए कि आपको रिटर्न के लिए, सॉरी इंटरव्यू के लिए आपको आगे बुलाया जा सकता है और आपका जो जो आपका अगला टेस्ट होगा यानी कैट का टेस्ट आपका, उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन है, जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है तो आगे आपको बता देता हूँ फर्दर आपका क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप लोग को पता है मॉक टेस्ट आपका हो गया 17 से 18 तारीख को, आपका यहाँ पे जून में मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको एक मेल प्रोवाइड करा होगा जहाँ पर आप लोग का मॉक टेस्ट वगैरह हुआ होगा। उसका मेन ऑनलाइन टेस्ट आपका 24 और 26 तारीख को, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर आपका 24, 25 और 26 वाले दिन यहाँ पे जो है ऑनलाइन टेस्ट आपका जो अभी चल रहा है, अभी कल भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो कल के बारे में भी मुझे डिस्कस करना है। कल जो अलग अलग ब्रांच की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जियो फिजिक्स वगैरह ये सब, तो उनके बारे में मैं देखना होगा। और अब यहाँ पे आपका जो अगला रहेगा वो टाटा स्टील कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट यानी सीएटी टेस्ट जिसे कहा जाता है, इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब आपका पेपर का रिजल्ट आ जाएगा, उसके हम जस्ट एक दिन बाद बात करेंगे कि ये टेस्ट आपका कैसे होता है, इसके अंदर आपको क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने होते हैं, क्या ये इस टेस्ट में पास होना जरूरी होता है या इस टेस्ट में पास होना जरूरी नहीं होता है, या फिर ये केवल एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है कि आपका सोच किस टाइप की है, आप किस टाइप से सोचते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके कोई आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप लोग का फोकस है, अब आपका इंटरव्यू 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच यहाँ पर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो यानी आप खुद आप कॉमन सेंस लगाइए, 17 जुलाई को अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है तो रिजल्ट आपका 17 जुलाई से पहले ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट आपका मैक्सिमम जो मुझे लगता है, देखिए कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट आपका 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच होगा, तो रिजल्ट आपका जो है वो 4 जुलाई से पहले ही आप लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यानी आपका जो रिजल्ट है वो 3 जुलाई के ही आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, या 2 जुलाई के, यानी आने वाले 7-8 दिन में या 1 हफ्ते 10 दिन में ही आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जिनका भी शॉर्टलिस्ट होगा उनको मेल के थ्रू यहाँ पर पता चल जाएगा कि उनका यहाँ पर रिजल्ट हो गया है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे इंटरव्यू आपका 17 से 23 जुलाई यानी 4 दिन के अंदर चलेगा। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग ब्रांचेस का यहाँ पे दे रखा है कि किस डोमेन का कौन से दिन यहाँ पर आपका ये कराया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आप लोग का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे निबट गया 24-25 तारीख में, 25 तारीख में कुछ का स्लॉट में है एग्जाम, और आपका सिविल का आपका 25 तारीख में आज है, आज के दिन केमिकल माइनिंग मेटलर्जी इन सब ब्रांचेस का निबट गया।
और जियोलॉजी का 26 तारीख को है, तो आपका केवल जियो फिजिक्स और जियोलॉजी का कल बचा है, बाकी लगभग लगभग सारी जो टॉप ब्रांचेज होती हैं जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं उनका यहाँ पर लगभग लगभग आपका जो टेस्ट है वो जो है ख़त्म हो चुका है। और क्वेश्चंस बहुत जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं, मैं इन सब क्वेश्चंस को काफ़ी देखे, तो मुझे क्वेश्चंस ऐसा लगा थोड़े से लेंदी बनाने की कोशिश कराए और टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश कराए। मतलब आप लोग जो कहते हैं ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसकी डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, इस टाइप के भी क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको सोचना पड़ रहा था। खासकर कई काफ़ी सारी ब्रांचेस के कैंडिडेट थे जिनसे मैंने बात करी, जिसके बारे में मुझे आइडिया लगा, जैसे प्रोडक्शन वालों से बात करी, तो क्वेश्चन जो थे वो मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करके बनाए गए थे। ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट पुट कर दो और उसमें आप लोग का आंसर आ जाए, ऐसे भी क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपके दिए गए थे। पेपर पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया, जो कि आपका पेपर पैटर्न नॉर्मल आपका पेपर पैटर्न जो था वो आपको पता है, 30 का नॉन टेक था और 70 नंबर का टेक्निकल यहाँ पे आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर एक वीडियो थी जिसमें आपको बताना था कि आगे हम लोग का क्या रहेगा, आगे हम कैट की तैयारी भी करेंगे और साथ साथ जो है आपकी कट ऑफ के बारे में आपको कल वीडियो मिल जाएगी, किस टाइप का पेपर आया था, क्वेश्चंस की जो है सारी मैं PDF बना के आपको दूंगा, जो जो क्वेश्चंस मुझे प्रोवाइड हुए, ताकि आप लोग को क्वेश्चंस मिलें, आप लोग कुछ मैच कर पाएँ और आगे वाले कैंडिडेट को भी वो उन क्वेश्चंस के बारे में आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कराएंगे कुछ क्वेश्चन को 2-3 दिन के अंदर, और उन क्वेश्चंस की मैं PDF एक बार रेडी कर लूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो उस PDF रेडी करने के बाद आपको जो है उसके बाद आपको वहाँ पर उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कराएंगे और देखेंगे किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आए थे। तो एक वीडियो थी फ्रेंड्स जो कि टाटा स्टील AEP के आगे जो शेड्यूल है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको मुझे बताना था और आपको डिटेल यहाँ पर बता दिए। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए गुड लक है, और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना जो है आगे जो टेस्ट होने वाला है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, और अपनी तैयारी आगे भी एग्जाम्स के लिए जरूर जारी रखिए। और मैं आपके साथ फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।